जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। आप सभी जुड़े, सभी लोग जुड़े, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग 17 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोग जुड़े, जो लोग नए हैं क्लास शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें। 17 अप्रैल के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ इस चैनल पे। आप सभी अपने करेंट को बेहतर करें, सभी लोग जुड़े, समय से सभी लोग जुड़े। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम में आपका स्पेशल सीरीज लेकर आते हैं। आप सभी लोग क्लास को फॉलो करें, आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। सभी लोग जुड़े, और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आज का एक नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी लोग इसका आंसर करें कि अभी हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बना। ऑप्शन है, एक नंबर भुवनेश्वर कुमार, सेकंड है रविंद्र जडेजा, थर्ड है मोहम्मद शमी और फोर्थ है कगिसो रबाडा। तो आप लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा जो है वो पंजाब किंग्स के तरफ से खेलते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखेंगे 70 मैचों में यह कारनामा इन्होंने किया है। तो ध्यान रखेंगे कि कुल 70 मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी जो है कगिसो रबाडा ने बनाया, जो कि पंजाब किंग्स के तरफ से खेलते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, अभी हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई। आप लोग आंसर करें, एक नंबर ऑप्शन है 130वीं, बी है 131वीं, सी है 132वीं और डी है 133वीं। तो बी आर अंबेडकर की जयंती अभी हाल ही में 14 अप्रैल को मनाया गया, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी। आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो है वो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हाल ही में 132वीं जयंती मनाई गई। ध्यान रखना है 132वीं जयंती भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल को मनाया गया है। और अगर हम बात करें बाबा साहब अंबेडकर की, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग समिति यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। तो आप ध्यान रखेंगे 14 अप्रैल को 132वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कि हाल ही में भारत में सबसे ऊंचा अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है वो बाबा साहब अंबेडकर की जो जयंती मनाई गई वहां पर सबसे ऊंचा 125 फीट ऊंचा जो है वो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, एक नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी बिहार
और डी है राजस्थान। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। इन्हीं के जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और इन्हीं के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चार नंबर की, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया। तो हाल ही में हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपका एक नंबर घाना, बी है सेनेगल, सी है मोजाम्बिक और डी है श्रीलंका। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत द्वारा निर्मित ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि इसका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक, यानी कि सी नंबर। मोजाम्बिक में एक ब्रिज का उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे। यह ब्रिज जो है 132 किलोमीटर जो है वो लंबा है, किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन एस जयशंकर ने किया है, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे कि मोजाम्बिक जो है एक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है और जिसकी हिंद महासागर के साथ लंबी तटरेखा है। और अगर हम बात करें मोजाम्बिक की राजधानी की, तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। यहाँ की मुद्रा मोजाम्बिकन मेटिकल है। तो ध्यान रखेंगे राजधानी, ध्यान रखेंगे इसका मापुतो इसका राजधानी है मोजाम्बिक का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है। ऑप्शन है एक नंबर श्रीलंका, सेकेंड है यूक्रेन, थर्ड है मंगोलिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है, आप लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, एक नंबर। श्रीलंका जो है वो आर्थिक संकट से काफ़ी झेल रहा है, जिसके वजह से भारत, जापान और फ्रांस ने एक साझा मंच तैयार किया, जिसके द्वारा श्रीलंका को आर्थिक मदद किया जा सके और आर्थिक संकट से उसे बाहर लाया जा सके। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य है श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर लाना। इस तरह से जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है छः नंबर क्वेश्चन है, कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया है, आप लोग आंसर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत में अभी हाल ही में किस शहर में एम्स का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर एक है गुवाहाटी, सेकेंड है ईटानगर, थर्ड है इम्फाल और फोर्थ है कोहिमा। तो इसका आंसर करें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया है, आप सभी लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया, जो कि उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पहला जो है वो एम्स होगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत के पहला एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उत्तर पूर्व के विकास के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध हैं, कि जो है वो उनका मानना है कि जब तक नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा
तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और इस तरह से जो है वो नॉर्थ ईस्ट के विकास पर जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो कुछ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में वहाँ पर एम्स का उद्घाटन किया गया है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज आपके लिए कुल 7 क्वेश्चन ही थे, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि हाल ही में भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। आप लोग इसका आंसर करें कि अभी हाल ही में महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ऑप्शन नंबर 1 है 5, B है 6, C है 7 और D है 8। तो भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, आप लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, कुल जो है वो 7 पदक जीता है। आप ध्यान रखेंगे कुल 7 पदक जो है भारत के द्वारा इसमें जीता गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 चल रहा था, इसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक सहरावत ने जीता था। और इस तरह से इसमें कुल जो है वो भारत के द्वारा जो है वो कुल 7 पदक जीता गया है। आपको ध्यान रखना है भारत के द्वारा इसमें कुल 7 पदक हासिल किया गया, जिसमें 2 रजत और 5 कांस्य पदक था। इसमें 2 जो है वो सिल्वर मेडल था, 2 जो है वो आपका रजत और 5 कांस्य पदक जीता, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है वो इसमें कुल 7 पदक हासिल किया गया, आप ध्यान रखेंगे। तो महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें कुल 7 पदक भारत ने हासिल किया, जिसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रहा था। तो इस तरह से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। और आज शाम के 7 बजे आपके लिए मैं मार्च करेंट टेस्ट लेकर आ रहे हैं, आप सभी तैयारी के साथ उसमें टेस्ट में भाग लें ताकि अपना प्रदर्शन को बेहतर दिखाएं सभी के सामने। इसलिए आप सभी जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे जो है वो क्लास में शाम के 7 बजे ज़रूर आप सभी लोग जुड़े और तैयारी के साथ जुड़े। आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। तो इस तरह से आप सभी का स्वागत रहेगा शाम में, सभी लोग जुड़ेंगे। तो अभी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।